हे गाइस वेलकम दोस्तों, जैसा आपको पता है पोको ने लास्ट ईयर एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था एक्स सीरीज के अंदर जो कि है पोको X3 प्रो। और ये दोस्तों काफ़ी पॉपुलर स्मार्टफोन था गेमिंग के मामले में, मतलब दोस्तों ये इकलौता स्मार्टफोन था और अभी भी है जो कि अंडर 20,000 में फ्लेक्सिबल परफॉर्मेंस को लेकर आता है। तो गाइस इस फोन का सक्सेसर पोको X4 Pro 5G जो कि जल्दी लॉन्च किया जाएगा और ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है पोको की तरफ से। अब दोस्तों एक्चुअल में देखते हैं क्या ये स्मार्टफोन पोको X3 Pro 4G स्मार्टफोन का डाउनग्रेड होगा या फिर अपग्रेड होगा, और ये दोस्तों आप खुद डिसाइड कर पाओगे। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और साथ में इस फोन की प्राइस बताने वाला हूँ, साथ ही साथ ये कब लॉन्च हो सकता है ये भी बताऊंगा, तो फुल एक्सप्लेन करूंगा। बट गाइस यार प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की कन्फर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो गाइस इस फोन के अंदर आपको ग्लास बिल्ड दिया जाएगा, जी हाँ बैक और फ्रंट दोनों तरफ ग्लास होगा जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ आने वाला है। इसके अलावा ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल होगा, तो ये पोको की तरफ से थोड़ा सा अलग डिजाइन रहने वाला है जो कि देखने में भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके अलावा पोको की ब्रांडिंग भी दी जाएगी। दोस्तों डिस्प्ले की बात करूं तो इस फोन में 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा जो कि 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा डिस्प्ले पर कोइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन होगी, इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस फोन में क्वालकॉम का चिपसेट होगा जो कि काफी ट्रेंडिंग में कई स्मार्टफोन में ऑफर किया जा रहा है, जो कि है दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695। अच्छा चिपसेट है बजट के हिसाब से और ये 6 nm पर बेस्ड है, काफी अच्छी खासी आपको गेमिंग कराने वाला है, काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है, तो इससे आपका जो बैटरी बैकअप है वो भी ज्यादा चलने वाला है। दोस्तों इससे आप लोग गेमिंग अच्छी खासी कर पाओगे इस प्राइस बजट पर। दोस्तों इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स होगा, यहाँ पर एंड्रॉयड 12 होना चाहिए था बट थोड़ा सा डाउन किया है एंड्रॉयड 11, जो कि दोस्तों MIUI 13 पर ये बेस्ड होने वाला है। दोस्तों इस फोन में LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप दिया जाएगा। ये दोस्तों 6GB प्लस 128GB बेस वेरिएंट के साथ आने वाला है, देन 8GB प्लस 128GB एक और वेरिएंट आपको मिल सकता है। इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया जाएगा। दोस्तों कैमरास के बारे में बात करूं तो बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, जो प्राइमरी लेंस है वो दोस्तों 108 MP का होने वाला है, और साथ में 8 MP का अल्ट्रा वाइड होगा, देन 2 MP का माइक्रो लेंस दिया जाएगा। रियर में 4K 30fps पर वीडियो शूट करने का फीचर होगा। सेल्फी के लिए 16 MP की पंचुअल सेल्फी होगी इन सेंटर, जिसमें आपको 1080p मिनिमम 30fps पर वीडियो शूट करने का फीचर होने वाला है। दोस्तों अगर मैं बैटरी की बात करूं तो इस फोन में 5000mAh की बैटरी होगी और ये 67W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, और आपको बॉक्स में भी ये चार्जर मिल जाएगा। इसमें दोस्तों चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट होगा, 3.5mm का जैक होगा, फेस अनलॉक और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको दिए जाएंगे। अब गाइस आप लोग समझ चुके होंगे ये किस फोन के फीचर्स हैं। जी हाँ, Redmi Note 11 Pro 5G जो ग्लोबल में गया था उसी फोन का ये रीब्रांड वर्जन होने वाला है इंडिया में पोको की ब्रांडिंग के साथ। हालांकि दोस्तों कभी पोको X4 कभी पोको X4 Pro एक्चुअल में कौन से नाम से आएगा ये अभी निकल के नहीं आया है, बट यहाँ पर कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग निकल के आया है कि इस फोन का एक्चुअल नाम पोको X4 Pro 5G ही रहने वाला है। दोस्तों देखा जाए ओवरऑल तो इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस में डाउनग्रेड किया गया है, बट जो बाकी के फीचर्स है उसमें अपग्रेड है, मतलब दोस्तों डिस्प्ले में अपग्रेड मिल जाता है, डिजाइन बिल्ड क्वालिटी में अपग्रेड किया गया है, उसमें प्लास्टिक था इसमें ग्लास किया गया है, साथ ही साथ कैमरा में भी अपग्रेड है और फास्ट चार्जिंग में अपग्रेड किया गया है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों ये स्मार्टफोन अपग्रेडेड स्मार्टफोन है। अब बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग के बारे में। तो गाइस इस फोन की जो प्राइस है, वैसे दोस्तों जो Redmi Note 11 Pro 5G था वो अराउंड 20,000 में गया था, तो ये स्मार्टफोन इंडिया में अंडर 20,000 में लॉन्च किया जाएगा। इससे भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 695 से रिलेटेड जितने भी स्मार्टफोन्स हैं वे 17,000-18,000-19,000 तक लॉन्च किए गए हैं, तो इस फोन की जो प्राइस है वो डेफिनेटली 17,000 या फिर 18,000 रहने वाली है इंडियन मार्केट में। बाकी दोस्तों आपका क्या फीडबैक है, आपके हिसाब से इसकी प्राइस क्या हो सकती है इंडियन मार्केट में, ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
दोस्तों लॉन्च डेट की मैं बात करूं तो ये स्मार्टफोन पहले ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद इंडिया में आएगा। इसकी जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है वो है दोस्तों मार्च, यानी कि मार्च के महीने में आपको ये इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।